हेलो फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जो आप टॉपिक करने वाले हैं टुडे, दैट इज़ आरएनए इंटरफेरेंस। ये बहुत ही अच्छी एग्जांपल है सेरेंडिपिटी की ऑब्जर्वेशन की। देखिए, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर आप साइंटिफिकली ऑब्जर्व करें किसी चीज़ को और आप उससे एक प्रॉपर आप उसकी हाइपोथेसिस बनाइए और हाइपोथेसिस बनाए के उसको टेस्ट करिए कि ये सही है कि नहीं है। जैसे कि एंटीबायोटिक की डिस्कवरी सेरेंडिपिटी है, ठीक है, तो ये भी एक डिस्कवरी क्या है, सेरेंडिपिटी है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं 1990 से। 1990 में साइंटिस्ट दैट इज रिचर्ड जॉक्सन, इन्होंने एक प्लांट है प्यूटीनिया, ना प्यूटीनिया प्लांट में जो कलर है ना, दैट इज़ कलर, कलर ऑफ अ फ्लावर, पहले पैटर्न है ना, तो इसमें क्या है, जो पेटल का कलर है वो है पर्पल। तो इन्होंने कोशिश करी, इन्होंने बोला कि चलो एक काम करते हैं, हम इसका कलर को जो पर्पल कलर है उसको और इंक्रीज़ किया जाए, उसकी इंटेंसिटी इंटेंसिटी क्या की जाए, इंक्रीज़ की जाए। ठीक है, अब देखिए कलर कोड करना है, देखिए कलर को इंक्रीज़ करना है ना। अब कलर के लिए इंक्रीज़ करने के इन्होंने क्या किया, इन्होंने एमआरएनए है ना, एमआरएनए जो कि कोड करके रख रहा है, कोड फॉर कलर, इन्होंने क्या किया, इंजेक्ट किया प्लांट सेल में, और क्या वो थी एक कि हम बोलें कि एक आउटकम है ना, कि रिजल्ट जो माना जाए कि हाँ भी यही आएगा। जब आप एमआरएनए कोड करके रहे कलर को और इंजेक्ट करें प्लांट सेल में, तो कहती हाँ भी हमने इसको और ज़्यादा एमआरएनए दे दिया, तो और ज़्यादा क्या होगा, कलर बनेगा, क्योंकि कोड करके रख रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि आप किसको और चीज़ दे रहे हैं, तो बोलेगा हाँ भी एमआरएनए है, कोड करके रख रहा है कलर को, तो क्या होगा, कलर और इंटेंस हो जाएगा ना, पर्पल कलर रहेगा। लेकिन हुआ क्या, मतलब एक्सपेक्टेड है ना, एक्सपेक्टेड क्या है कि एक्सपेक्टेड क्या था कि द कलर इंटेंसिटी विल इंक्रीज। अब हुआ क्या, हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। उल्टा कैसे हुआ, जो कलर था किसका, फ्लावर का, या तो वो वाइट हो गया या उसमें क्या हो गया, स्ट्रीक्ट हो गया। स्ट्रीक्ट मतलब अगर आप देखेंगे कोई प्लांट का पेटल, उसमें कैसे वाइट वाइट, मैं एक रेफरेंस के लिए आपको लिंक डालूंगा नीचे, आप डिस्क्रिप्शन में आप वो देख सकते हैं, कलर ऑफ द पेटल है ना, दिस प्यूटीनिया है ना, तो उसमें आप देखेंगे कि जो वाइट कलर है ना, वाइट पेटल है, उसके ऊपर क्या पर्पल स्टिक हो सकते हैं, या फिर पर्पल के ऊपर वाइट स्टिक आ जाएंगे। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जो एमआरएनए हमने ऐड किया, जो इन साइंटिस्ट ने ऐड किया, जो कि कोड करके रख रहा है प्लांट के पेटल के कलर के लिए, ठीक है, इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, उसका एक्सप्रेशन क्या हो गया, स्टॉप हो गया, इनहिबिट हो गया। किसका इंप्रेशन इनहिबिट हो गया, जो नेचुरली पर प्रेजेंट भी था, ठीक है, जो एक नॉर्मल है, नॉर्मल जिसमें हमने काम नहीं किया, हमने इसको कंट्रोल बोल दिया, क्या बोल दिया हमने इसको, कंट्रोल, जिसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, एक हमारे पास था एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल, जिसमें आपने क्या किया, एमआरएनए ऐड किया, किसने, इन साइंटिस्ट ने, तो उसमें क्या हो गया, उसमें कलर प्रोडक्शन नहीं, उसमें क्या हो गया, जीन का एक्सप्रेशन है ना, जीन एक्सप्रेशन क्या हो गया, इनहिबिट हो गया। और नॉर्मल में तो क्या हो रहा है, नॉर्मल में क्या हो रहा है, जीन एक्सप्रेस हो रहा है, जीन एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन जिसमें एक्सपेरिमेंट आप एमआरएनए ऐड किया गया कलर इंटेंसिटी को इंक्रीज करने, उसमें क्या हो गया, इनहिबिट हो गया। ठीक है जी, तो ये पहली ऑब्जर्वेशन। उसके बाद थोड़ा पजल रहा, उसके बाद क्या हुआ कि 8 ईयर्स के बाद, 8 साल बाद, ठीक है, दो साइंटिस्ट आए, दैट इज एंड्रियो फायर एंड क्रैक मिलो। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एक निमेटोड पे, दैट इज कैनोरहबेटाइटिस एलिगन, आई एम वेरी बैड इन प्रोनाउंसिएशन है ना, तो ये इन्होंने किया, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सी एलिगन्स की तरह हम इसको लेक्चर को लेक्चर में यूज़ करेंगे। ठीक है जी, बड़े शब्द बड़े बड़े होते हैं, मुश्किल हो जाती है प्रोनाउंसिएशन में। ठीक है जी, तो क्या है कि इन्होंने इस निमेटोड को लेके काम किया, और काम भी किसमें किया, मसल प्रोटीन में। ठीक है जी, अब
98 में इन दोनों साइंटिस्ट इन्होंने क्या किया, देखिए डीएनए कोड फॉर एमआरएनए, और एमआरएनए क्या करता है प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिया, इन्होंने मसल्स प्रोटीन लिए, क्या लिए मसल प्रोटीन लिए इन्होंने। अगर मान लो मैं इसको बोलूं सेंस, क्या बोला गया सेंस एमआरएनए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में बोलेंगे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एक एंटी सेंस एमआरएनए इंजेक्ट किया किस पे, इस सी एलिगेंस निमेटोड में, ठीक है जी। और इंजेक्ट करने के बाद इसको कंपेयर किया है ना किसके साथ, नॉर्मल के साथ। तो इसमें कुछ एज सच कोई मतलब कुछ भी फीचर्स या फिर बोले कुछ डिसएबनॉर्मेलिटी या कुछ इंक्रीज ये भी नहीं दिया गया, मतलब इट शोड नॉर्मल बिहेवियर या फिर नॉर्मल एक्सप्रेशन एज विद कंपेयर टू द वन वेयर नो एक्सपेरिमेंट इज डन, हम बोलें कि कंपेयर टू द नॉर्मल वन, ओके। नॉर्मल मतलब जो जिसपे एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, ठीक है। साइंस में देखिए मैं जैसे आपको बता ही रहा था कि एक तो होता है टेस्ट, एक होता है कंट्रोल। अब टेस्ट में क्या किया इन्होंने, एमआरएनए है ना जो कि एंटीसेंस था इंजेक्ट किया, लेकिन कंट्रोल में कुछ नहीं किया, जस्ट टू कंपेयर है ना, हम बोलते हैं कंपेयर के लिए। तो यहां भी इन्होंने क्या किया, कंपेयर किया, तो इनको कुछ नहीं दिखा, इन्होंने बोला कि भैया जैसा नॉर्मल है वैसे ये एंटीसेंस वाला एमआरएनए जब डाल रहे हैं तो भी सेम है। तो उन्होंने क्या किया, फिर सेंस वाला ऐड करके देखा, ठीक है, तो भी कुछ फर्क नहीं आया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि इन्होंने क्या किया, एंटीसेंस एमआरएनए और सेंस एमआरएनए दोनों को ऐड करा, इंजेक्ट किया किसमें, सी एलिगन एलिगेंस सेल्स में जो कि एक नेमेटोड है यानी यूकैरियोटिक है ना। तो इसमें देखा गया कि इसको क्या हो गई, इसमें जो प्रोटीन है स्पेशली कौन से मसल प्रोटीन, वो डेफिशिएंसी थी, ठीक है। अब इसको भी कंपेयर करना था, ठीक है। तो उन्होंने कैसे कंपेयर किया, उन्होंने बोला कि एक ऑर्गेनिज्म है ना, देखिए यहां पे तीन कंट्रोल लगा लेते हैं, तीन कंट्रोल, एक टेस्ट, ठीक है, एक नॉर्मल, एक जिसके पास ये जीन है ना जो कि जीन डेफिशिएंट है, मतलब जीन है ही नहीं है, कौन सा जीन नहीं है, जिस मसल्स के लिए ना, मसल जीन नहीं है। तो टेस्ट वाला था जिसमें हमने बोला कि एक हमने क्या किया, दोनों है ना एंटीसेंस प्लस सेंस एमआरएनए दोनों को ऐड किया, ठीक है। नॉर्मल में तो कुछ किया ही नहीं, डेफिशिएंसी में क्या, वो जीन ही नहीं है, नो जीन, ठीक है। तो इसके जो रिजल्ट थे वो इससे मैच कर रहे थे, आप समझिए कि जीन डेफिशिएंसी ऑर्गेनिज्म और जो टेस्ट है जिसमें सेंस और एंटीसेंस एमआरएनए थे वो सेम रिजल्ट कर रहे थे। अब इससे क्या समझेंगे आप कि जीन डेफिशिएंसी मतलब जीन है ही नहीं है, और यहां पे जब एंटीसेंस और सेंस एमआरएनए ऐड इंजेक्ट किए गए तो क्या हो, तो भी प्रोटीन डेफिशिएंसी आ रही, मसल प्रोटीन डेफिशिएंसी आ रही है, और वो ट्विचिंग है ना, ट्विचिंग मूवमेंट शो कर रहा है, जहां पे हम बोल रहे हैं कि मैं लिख देता हूं ट्विचिंग सी एलिगेंस, ओके। तो सी एलिगेंस ट्विचिंग मूवमेंट शो कर रहा है, और ट्विचिंग मूवमेंट तब होगी जब मसल प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी, ओके, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट निकाला गया जिसको बोला गया आरएनए साइलेंसिंग,
अब मैं बोलूँ mRNA silencing, ठीक है जी, जिसको RNA interference ही बोल देते हैं, RNA interference, ओके। अब इसको प्रूफ करने के लिए, है ना, इसको प्रूफ करने के लिए कि हाँ भी जब एंटी सेंस और सेंस स्ट्रैंड दोनों को ऐड किया गया साथ में, तो उन्होंने क्या किया, मसल जो प्रोटीन है वो नहीं बन रहे, डेफिशिएंसी हो रही है, कि जो एमआरएनए कोड करके रख रहा है, जो एमआरएनए कोड करके रख रहा था जो कि नॉर्मली प्रेजेंट था, वो क्या हो गया, साइलेंट हो गया। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने कि डबल स्टैंडर्ड, है ना, उन्होंने किया डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए अकॉर्डिंग टू द जीन फॉर मसल प्रोटीन, है ना, जीन फॉर मसल प्रोटीन। उन्होंने क्या किया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, दैट इज डबल स्टैंडर्ड, क्या किया, इंजेक्ट किया, ठीक है, सी एलिगेंस, एलिगेंस में, ठीक है। तो और देखा उन्होंने क्या कि यस यहां पे क्या हुआ, डेफिशिएंसी है, और उन्होंने अल्टीमेटली मतलब बहुत ऑर्गेनिज्म पे रिपीट किया गया, जिसमें ये नेमेटोड में रिपीट किया गया, और ये जो कंसेप्ट था ना कि जिसमें डेफिशिएंसी आ रही है प्रोटीन की, स्पेशली मसल प्रोटीन की आ रही है, ये और नेमेटोड्स में देखा गया, मतलब सेम प्रजाति के। इन 2006 दीज साइंटिस्ट अवार्डेड फॉर द नोबल प्राइज, इनको नोबल प्राइज मिला 2006 में मेडिसिन के लिए, ओके। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जो आज की डेट में इसको यूज़ किया जाता है एन मेडिसिन ऑल्सो, ठीक है। तो हम ये फर्स्ट लेक्चर है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन, फिर हम दूसरा पढ़ेंगे मैकेनिज्म, और तीसरा हम छोटा सा लेक्चर लेंगे, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ दिस आरएनए इंटरफेरेंस। ऑब्जर्व किया, जीन साइलेंसिंग बोले हम, बेसिकली जीन साइलेंसिंग जो है और ऑर्गेनिज्म में, लोअर ऑर्गेनिज्म में भी ऑब्जर्व किया गया। तो आज के लिए इतना इंट्रोडक्शन ही काफ़ी, इसका मैकेनिज्म जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहें, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आई डेफिनेटली आंसर दोज क्वेश्चंस। हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, एंड यस प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।